सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आइएगा मित्रों सरल संस्कृत संभाषणम की सीरीज में आज हम अष्टमी कक्षा को आपको पढ़ाएंगे पुस्तक में हमारा प्रकरण चल रहा है अभी मित्र मेलनम मीटिंग फ्रेंड्स तो गत कक्षा में हमने यहां पर छोड़ा था उससे आगे ही चलते हैं दो मित्र हैं दो मित्र हैं तो कभी वो एक मित्र दूसरे मित्र को मिलता है और उसमें से एक मित्र को ये ज्ञात होता है कि आपको कहीं से उसने सुना था कि आपको जॉब मिल गई तो जब मिलते हैं तब क्या कहता है जो मित्र है माने जिसको जा कहीं से सुनाई पड़ा है कि मेरे मित्र को जॉब मिल गई है जैसे मिलते हैं तो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन तो संस्कृत में क्या बोलेंगे अभिनंदनम अभिनंदनम आपका अभिनंदन है बधाई अभिनंदनम कांग्रेचुलेशन या ऐसे भी कह सकते हैं अभिनंदनानी है अभिनंदनानी अभिनंदनानी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत स्वागत क्या यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं अभिनंदन दोनों प्रकार से बोल सकते हैं आप और फिर वो आगे पूछता है आई हर्ड यू गॉट अ जॉब मैंने सुना था कि आपको जॉब मिल गई है संस्कृत में क्या बोलेंगे भावत उद्योग लब्ध इति श्रोत मैंने सुना था आपको आपको जॉब मिल गई है उद्योग इति श्रुतम श्रुतम आपको बहुत बहुत बताइए हमें सुनाई पड़ा आपकी जॉब लग गई मैंने आपको कार मिल गया है अब ये पुरुष को पूछा है एक स्त्री पुरुष को भी पूछ सकती है ऐसे पुरुष को और एक पुरुष पुरुष को भी पूछ सकता है यदि कोई पुरुष या स्त्री किसी स्त्री को पूछेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर बदल जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भवत्या बस बाकी समान रहेगा यदि कोई है उनको पूछ रहे हैं अभिनंदनानी, अभिनंदनानी। भवत्या इति मया इति लबहा आपको कार मिल गया है मैंने ये सुना है तो यहाँ भवत्या कर लीजिएगा बाकी समान है ठीक उत्तर में उत्तर में हाँ जॉब मिल गई है तो वो जो सामने वाले हैं चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल पुरुष या स्त्री तो वो कहेंगे आम आम यस यस थैंक यू थैंक यू तो आम धन्यवाद धन्यवाद आम ठीक है यस थैंक यू थैंक यू ये दोनों समान है चाहे कोई पुरुष रिप्लाई करे या स्त्री करे दोनों समान है ठीक अब वो फिर दूसरा सामने वाला पूछता है डू यू वर्क? आपको कार्य आप कहां पर कार्य करते हैं ठीक। पुत्र उद्योगम करोती भावती स्त्री को ही पूछा पहले इसमें स्त्री के अनुसार दिया यहां पर ठीक है क्या है कोई पुरुष या स्त्री स्त्री को पूछ रहे हैं कुत्र उद्योग भवती आप कहां पर कार्य करती हैं कहां पर जॉब मिली है आपको कुत्र उद्योगम करोति भवती और यदि पुरुष को पूछ रहे हैं पूछने वाला कोई भी हो सकता है जिसको पूछा जा रहा है वो यदि पुरुष है तो यहां पर क्या कर देंगे आप भवान बस उद्योगम करो भवान ठीक है चलिएगा तो उत्तर यहां पर दिया गया है आई एम वर्किंग इन एन एडवा एडवर एडवरटाइजिंग एजेंसी मैं मैं किसी विज्ञापन संस्था में कार्य करता हूं या करती हूं ठीक तो कस्यांश कस्यांचित विज्ञापन संस्थायाम कार्यम करूंगी जहां भी लगा है वहां बता सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो दिया है वो दिया है इसमें उत्तर कस्या चित ये दिख रहा होगा कस्याचित विज्ञापन विज्ञापन ये दोनों का समान उत्तर होगा चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री कस्या विज्ञापन संस्थाया संस्थायां करो मैं अर्थात किसी एडवर्टाइजिंग की जो एजेंसी है उसमें कार्य मिला वही करता हूं या करती हूं शोभन अस्तु अग्रे फिर बोलते हैं भाई जिसकी जॉब लगी उसको बोलते हैं भाई मिठाई कब खिलाओगे यू गिव स्वीट खुशी में भाई मिठाई कब खिलाओगे मिठाई कब दोगे वो संस्कृत में बोलेंगे मिष्टान का दाती भाई मिठाई कब खिला रहे हो पार्टी कब दे रहे हो अच्छा वाक्य मिष्टान्नम कादा दाती मिष्टान कदा दिनाती भाई मिठाई कब खिला रहे हो दे दे रहे हो मतलब एक ही बात है तो अंग्रेजी में जो इसका आंसर दिया है कम होम ऑन ट्यूजडे अर्थात मंगलवार को घर पर आ जाओ मिठाई खिलाएंगे संस्कृत में क्या बोलेंगे मंगलवासरे गृह एवं आगच्छतु मंगलवासरे गृह आगछत मंगलवासरे गृह एव आगछत भाई मंगलवार को आ जाओ <laughs> उत्तर मिल गया ठीक है उत्तर समान है यहां पर स्त्रियों पुरुषों पूछने वाले जिनको पूछा जा रहा कोई भी हो आज तो वेट फ्रेंड लेट्स हैव कॉफी रुकिए मित्र रुकिए कॉफी पी लेते हैं ठीक है कॉफी लेते हैं संस्कृत में बोलेंगे इसको सखी सखे पुरुष होगा तो अलग होगा स्त्रीलिंग में अलग होगा इसका ठीक है तो हम पुरुष का ले लेते हैं इसमें स्त्री का लिखा हुआ है स्त्री का ही ले लेते चलिए इष्टतु सखी काफिम पिवामह मित्र रुकिएगा काफी पी लेते हैं इष्टतु सखी ठीक है ठी का सखी काफी पिबामा ये कोई स्त्री है या स्त्री की मित्र स्त्री है उनको कहा कह सकते हैं या पुरुष की मित्र स्त्री है उनको कह सकते हैं यदि कोई मित्र पुरुष है तो उसको बोलेंगे सखे तिष्ठ तु सखे काफी पूछने वाला कोई भी हो सकता है पुरुष अथवा स्त्री ठीक है यहां पर आप दोनों के स्थान में ऐसा भी कर सकते हैं तिष्ठ तु मित्र यहां दोनों की जगह ये सरल है तिष्ठ तु मित्र चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो तिष्ठ तु मित्र काफी पीवा काफी पी लेते हैं लड्डू बाद में खा लेंगे चलो ठीक है फिर ओके लेट्स ड्रिंक ठीक है चलो पी लेते हैं तो संस्कृत में अस्तु अस्तु ठीक है आ, राजी हो गए जी अस्तु अस्तु ठीक है लेट्स ड्रिंक पीवा महा बहुत अच्छा वाक्य है ठीक है बहुत अच्छा वाक्य चलिएगा अब चाय, कॉफी पी रहे हैं उसके बाद में कहते हैं आगे कोई उनमें से एक बोलता है मैंने जिसको पूछा जा रहा है उसको बधाई दी जा रही थी है? या कोई भी एक क्षम्यताम अच्छा है? सॉरी आई डोंट हैव टाइम टू स्टे अब यहां पर रुकने के लिए समय नहीं है अब निकलना है तो संस्कृत में क्या बोलेंगे क्षम्यताम स्थातु माम समय नास्ति क्षम्यताम सॉरी मा मा सामाया अब भाई रुकने के लिए समय नहीं अब निकलते हैं आज फिर पो दूसरा पूछता है वेन शल वी मीट अगेन फिर अब भाई कब मिलेंगे उत्तर है संस्कृत में क्या बोलेंगे पुनः कदा मेला इश्यामा, मेल मेलिष्याम कमेंगे ठीक है तो फिर आगे था हमारा पुनः कदा मेलिष्या मेल पुनः कदा मेलिष्या वेन शैल बी मीट अगेन तो जो सामने वाला है वो कहता है किम कहता कहती कहती कल मिल मिल साय कल, कल मिलने ले। मिल लेते हैं प्रश्नवाचक थोड़ा सा करते हैं इसमें श्वाहा सायम मेलिश्याम एम ठीक कल मिले क्या शाम को यस आई विल कम दे आर मैं वहीं आ जाऊंगा <laughs> ठीक है आम यश माने आम आम आगमिष्यामि तत्रैव आगमिष्यामि वहीं आ जाता हूं मैं ठीक है फिर आगे एक कोई पूछते हैं पे आपस में वही चर्चा चल रही है वेयर इज योर न्यू रेजिडेंस पर आपका नया घर कहाता नूतनम गृह कुछ नूतनम ग्रहम अस्ति जिसको पूछा जा रहा है वो यहां पर पुरुष है यदि स्त्री को पूछेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भवत्या वस भवत्या नूतनम गृहम कुत्र अस्ति आपका नया घर कहाँ है <laughs> तो यहाँ पर ऐसा दिया है दिस इज माई रेजिडेंशियल एड्रेस लो ये मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है जो भी कुछ होगा हम बोलते हैं तो संस्कृत में बोलेंगे ए शाह मामा गृह संकेता ए मामा गृह संकेता माम गृह संकेत अब इतना सुनते ही वो जो जिसको पता नहीं था रहे ओह इट नियर माई सिस्टर्स होम अरे ये तो ये जो पता दिया ये तो घर तो मेरी बहन के घर के पास में ही है तो ओहो मामा भगिन्याः गृह समीपे अस्ति ओहो मामा भगिन्याः गृह समीपे अरे ये गर, ये पता तो मेरी भगनी के घर के बहन के घर के पास का है ठीक है फिर तो आराम से आ जाएंगे यहां पर भी आ जाएंगे ठीक है चलिएगा तो आज इतना ही करते हैं आगे की कक्षा में फिर और भी जो शेष है उसको पूरा कर देंगे ठीक है आराम से धैर्य से ये कोई आप पर वर्डन नहीं है कोई किसी कार्य का इसमें आप हम जो भी पढ़ाते हैं आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा कुछ तो स्मरण रह जाएंगे बीस वाक्य में दो तो याद रह ही जाएंगे ठीक है अपने घर के मित्रों के साथ सभी के साथ साझा कीजिएगा पुनर्मिला महा,